लास्ट वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी तो आज हम मैंने सोचा कि मैं एक प्रॉडिक टेबल लेके आपको आपको उसमें से दिखाती हूँ कि कौन से वाले वो एलिमेंट्स हैं जो बॉडी जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और बॉडी सेंटर्ड बनाते हैं अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो बी है वो रेड कलर में है तो बी पूरा सी पूरा इसमें बी जो है वो रेड कलर में लेबल किए हुए हैं आप देख सकते हैं लिथियम सोडियम क्रोमियम ये सारे जो हैं ये एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसी तरह से जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है ये मूव कलर में है जैसे ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड पोलोनियम ये सारे जो हैं वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं थोड़ा सा आप बेसिक इंट्रोडक्शन देखें क्यूबिक स्ट्रक्चर का ये ये जो डायग्राम है ये आप देख सकते हैं एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है और अगर यहाँ पे मैं देखूँ मैं आपको एक ये पिक्चर दिखाऊँ तो यहाँ से एक पूरे स्ट्रक्चर के अंदर से ये जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है ये एक यूनिट सेल है और ये यूनिट सेल जो है वो रिपीट हो रहा है पूरे उस स्ट्रक्चर में तो ये यूनिट सेल देखें या फिर आप यूँ देखें कि एक्चुअली हम लोगों ने इस चीज़ को जैसे ये जो डॉट्स हैं ये आइटम्स हैं तो बेसिकली अगर आपको ये लाइन्स जो नज़र आ रही हैं ये सिर्फ हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि यूनिट सेल की शक्ल किस तरह से होती है इसलिए हम जो ये जो लाइंस है ये ड्रॉ करते हैं अदरवाइज एटम है और फिर इस तरह से एटम्स जो हैं वो साइड बाय साइड और एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच्ड um, होते हैं तो um, इसलिए uh, ये बेसिकली एक जो है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है और ये जो एलेबोरेशन आपको डिफरेंट नजर आ रही होगी ये जो बीच में ऐसे लाइन नहीं कोई लगी होती है सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के लिए और थोड़ा सा फॉरअवे करने के लिए बताते हैं कि ये आइटम इस आइटम के साथ इस तरह से अटैच है इसी तरह से ये लेकिन नॉर्मली जो जो स्ट्रक्चर्स है है होते हैं उसमें आइटम जो हैं वो इस तरह से प्लेस हुए होते हैं इसलिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है अच्छा अब हम बात करते हैं कि कितना जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये एक रेड कलर का आइटम है इस ये अगेन वही पिक्चर है एक सिंपल क्यूबिक इसमें एक ये रेड कलर वाला रेड कलर का एक आइटम है अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस रेड कलर वाले आइटम के साथ नियरेस्ट कितने आइटम जो हैं वो अटैच है तो अगर मैं देखूँ यहाँ से मिडल में मैंने इसलिए लिया ताकि मैं उसको हर जगह से फाइंड आउट कर सकूं इस पूरे स्ट्रक्चर में सो so, इधर देखें तो ये एक नंबर वन इस साइड पे अपवर्ड एक आइटम अटैच्ड है इस तरह से दूसरी साइड पे ये दूसरा आइटम अटैच्ड है तीसरा आइटम अटैच्ड है बैकवर्ड साइड पे फोर्थ आइटम है और राइट साइड पे फिफ्थ है एंड देन डाउनवर्ड जो है वो सिक्स आइटम जो है वो अटैच्ड है तो इसका मतलब है कि जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो एक आइटम जो है वो कितने नियरेस्ट एटम्स को टच कर रहे है और अटैच्ड है वो कितने हैं वो सिक्स है आप किसी भी जगह पे किसी भी एटम को देख सकते हैं जो है आप स्ट्रक्चर उस तरह से ड्रॉ कर लें और उसको देखें तो वो हमेशा जो है कोई भी एटम अपने जितने भी नियरेस्ट ने, एटम्स के साथ अटैच्ड होगा एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में तो वो सिक्स होगा तो ये जो मैंने कहा है कि लाइक like, एटम जो है वो अटैच अपने नियरेस्ट नेबर आइटम्स के साथ इसको हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का वो सिक्स है आगे एक बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है सो बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये इसकी एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप नोट कर सकते हैं कि एटम जो है कॉर्नर्स के ऊपर है और एट द सेम टाइम एटम जो है वो उसके बॉडी के अंदर प्लेस किया हुआ है अब अगर इसका सिर्फ एक यूनिट सेल को अगर आप निकाल के देखें तो यहाँ से इस पिक्चर से देखिए कॉर्नर के ऊपर हैं और उसके बाद एटम जो है एक दरम्यान में बॉडी के अंदर कर रहा है इस पिक्चर से भी आप देख सकते हैं क्योंकि ये पिक्चर में आप नोट करें तो बिगर आइटम जो कि सिर्फ पूरे का पूरे के अंदर लाएकर है बाकी जो है हर कॉर्नर से हमें वन बाई एथ आइटम का पोर्शन मिलता है ये एक मॉडल सा बना हुआ है एटम्स का यानी कि एक बॉडी स्टैंडर्ड का जो आप देख सकते हैं बेसिकली आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि ऐसे कोई लाइनें तो नहीं लगी हुई होती ये तो सिर्फ हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यू यूं परसीव करते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसमें देखने के लिए कि कितना कितने एक एटम के साथ कितने और एटम्स अटैच है तो सबसे आसान तरीका तो ये कि हम दरम्यान वाले एटम को देख लेते हैं जो कि उस बॉडी के कर है यानी कि उसके दरमियान में ये वाइट कलर का जो है आप देखिए इसके साथ कितने और एटम जो है वो उसको टच कर रहे हैं और अटैच है तो आप नोट करें तो ये ऊपर के जो लेयर है वन टू थ्री फोर और फिर इसी तरह से फाइव और ये बैकवर्ड सिक्स सेवन और एट तो इसका मतलब है एट जो एटम्स हैं वो इसके साथ अटैच है किसी जगह से भी इस पूरे स्ट्रक्चर में आप किसी भी आइटम को पकड़ के आप देख सकते हैं तो आप नोट करेंगे कि एक आइटम इसमें जो है वो एट वन आइटम एट आटम के साथ जो है वो है तो इस वजह से जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो एट होगा अब हम देखते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स हैं यानी कि वो वाले मेटल्स वो वाले मटेरियल्स जो कि सिंपल क्यूबिक या बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं क्या वो वर्क मटेरियल भी हैं या नहीं है अब अगर हम कॉमन सेंस देखते हैं तो हम कहते हैं कि देखिए सिंपल क्यूबिक के अंदर तो एटम जो है वो कॉर्नर्स के ऊपर बैठे हुए हैं और और जब बॉडी सेंटर्ड उसके अंदर कॉर्नर्स के ऊपर सिर्फ एक दरम्यान में बॉडी के अंदर लाया कर है तो इसका मतलब तो ये है कि इतनी ओपन स्पेस है तो इसका मतलब है कि एटम्स को इजीली मूव कर सकते हैं इन 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 द मेटल तो इसका मतलब है ये वर्केबल मटेरियल है लेकिन अगर हम उसको देखें जब हम बात करें प्लेन ऑफ एटम्स की तो प्लेन ऑफ एटम्स बेसिकली सिंपल क्यूबिक में और बीसीसी में प्लेन ऑफ एटम्स उस तरह से नहीं है तो इसका मतलब है कि मोर स्पेस मोर स्पेस जो होती है वो हम वो क्या करती है उसकी वजह से एटम्स बल्कि इन गैप ज्यादा होता है तो गैप्स के अंदर फॉल कर जाते हैं और वो एक तरह से हिंड्रेंस हो जाती है कोई प्लेन नहीं बनता एटम्स का तो जब मोर स्पेस है तो इसका मतलब है कि जो मेटल है वो इतना वर्केबल वो वाला मटेरियल या वो वाला मेटल जो है वो इतना वर्केबल नहीं है इट्स लेस वर्केबल इफ देयर इज अ मोर स्पेस जो टर्म मैंने अभी यूज़ किया है वर्केबल की तो वर्केबल का मतलब होता है कि हम किसी भी वो जो सॉलिड है वो जो मटेरियल है मेटल है उसकी हम शेप को चेंज कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि मटेरियल ना ब्रेक हो या क्रैक हो तो इसको हम कहते हैं कि वो वाला मटेरियल मेलिएबल uh, है और डक्टाइल है यानी कि ये उसकी वो प्रजास्ट करता है ये प्रॉपर्टीज अब हाईली वर्केबल मटेरियल का क्या मतलब है हाईली वर्केबल मटेरियल को देखने के लिए हम देखते हैं कि उस वाले के अंदर कितने एटम्स जो है वो पैक्ड है एक यूनिट सेल में इस चीज को देखने के लिए हम देखते हैं कि कितने कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है उन, ए, 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 उन एटम्स ने जो कि यूनिट सेल के अंदर है आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इस चीज को हम फाइंड आउट करते हैं क्यों ताकि हम देख सकें कि वो वाला मटेरियल कितना वर्क है सो so, ये वाली जो मैंने आपको बात है कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है यूनिट सेल आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इसको हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन अब हम देखते हैं कि एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है उसकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या है यानी कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट uh, है और वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करें अच्छा अब देखिए सिंपल क्यूबिक पे हमें पता है कि वन एटम पर यूनिट सेल होता है और हम एटम्स को कंसीडर करते हैं कि वो एक उनकी जो शेप है वो स्फेरिकल है और आपको पता है जो स्फेरिकल शेप होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो फोर पाई बाय थ्री आर क्यूब होता है और आर जो होता है वो बेसिकली रेडियस होता है उस वाले सफेयर का अब हमारे पास कितने टोटल एटम्स हैं यूनिट सेल में एक एटम है तो उसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्लियर बनाई है यहाँ पे तो आप सोचिए एटम के साथ है इसी तरह से इसके ऊपर भी चार एटम होंगे तो इसकी ये जो लेंथ है बेसिकली ये वाली लेंथ जो है ये एक, एक मैं कह रही हूँ और वो हम उसको लेते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस एटम टू सेंटर क्योंकि क्यों ले रही हूँ क्योंकि जो यूनिट सेल होता है उस यूनिट सेल के अंदर ये जो एटम है वो यहाँ से स्टार्ट हो क्योंकि वो दूसरे वाले एटम के साथ अटैच है तो इस वजह से यहां से लेके यहाँ तक की जो लेंथ में ले रही हूं वो ए है तो अब अगर मैं देखना चाहूं कि जो वॉल्यूम है इस पूरे यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा वो क्या है वो बेसिकली है लेंथ ताम्स ताम्स हाइट, तो ये वाला जो यूनिट सेल है ये क्यूब की शक्ल में है इसकी लेंथ विथ और हाइट जो है वो इक्वल है और वो जो लेंथ है वो ए है इसी तरह से उसकी विथ एंड हाइट ए के बराबर है तो वॉल्यूम इसका ए क्यूब हो जाएगा अब हमें पता है कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है जैसे मैंने आपको भी बताया था कि वो वॉल्यूम ऑफ द टोटल आइटम्स और टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है अब इसमें अगर आप देखें तो जो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगी अगर मैं इसके अंदर वैल्यू सब्सिट्यूट करूं तो वॉल्यूम ऑफ द टोटल आइटम्स जो मैंने यहाँ पे निकाला है वन टाइम्स फोर फाइव बाई थ्री आर क्यूब और वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या है ए क्यूब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें अच्छा सबसे पहले एक और जो मैं बताना चाहूंगी वो ये कि एक रिलेशनशिप हमें चूंकि देखिए आप न्यूमिनेटर में आर आ रहा है डिनोमिनेटर में ए है अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें एक रिलेशनशिप फाइंड करना चाहिए जो कि ए और आर के दरमियान में हो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस डायग्राम से अगर आप देखें तो ये जो है ये एक एटम जो है यानी कि उसका जो रेडियस है इस सेंटर से लेके यहाँ तक वो आर के बराबर है या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसी तरह से नीचे की तरफ भी ये आर के बराबर है और इस तरह से नीचे भी ये आर के बराबर है तो जो ए है वो इक्वल्स टू टू आर है जो कि आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं तो ये एक रिलेशनशिप सा है ए और आर के दरम्यान में वो मैंने यहाँ पे लिखे कि ए इज इक्वल्स टू टू आर तो इसका मतलब है ए क्यूब जो है वो एट आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा अगर अब हम इसकी ये वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें ये इस ऊपर वाले फॉर्मूले में ये हम वैल्यू सब्सिट्यूट करें और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा पाई ओवर सिक्स आप इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो पैकिंग फ्रैक्शन इज़ इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव टू अब ये ज़ीरो पॉइंट फाइव टू आउट ऑफ बेसिकली वन है अगर आप इसके फ्रैक्शन निकाल निकालते हैं लाइक like इसकी परसेंटेज निकालनी चाहिए तो वो आउट ऑफ हंड्रेड होगी तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें हंड्रेड से तो ये फिफ्टी टू परसेंट हो जाएगा तो 52% परसेंट है इसकी पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि वो पैक्ड है 52% परसेंट और इसका मतलब इसकी फ्री स्पेस कितनी है फ्री स्पेस इसकी 48% परसेंट है इसी तरह से हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं बी -सी -सी की भी और फिर और आपको थोड़ा सा फिर कंपेरिजन हम कर सकेंगे अब हम बी सी सी की पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला अगेन मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द टोटल ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल अब अगर हम देखें तो जो बी सी सी होता है उसमें टू आइटम्स पर यूनिट सेल होते हैं और आइटम्स जो हैं वो स्फेयर की शेप में और उनका जो वॉल्यूम है वो अगेन मैंने यहाँ पे लिख दिया जो कि फोर पाई बाई थ्री आर क्यूब है और एज लेंथ है क्यूब की वो ए के इक्वल होती है और सो वॉल्यूम हो जाएगा जो पूरा यूनिट सेल का वो वी इज इक्वल्स टू ए क्यूब होगा अब अगर आप इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉर्नर्स के ऊपर आइटम्स हैं और ये दरमियान में उसकी बॉडी के अंदर एक आइटम है और इस तरह से ये इसके साथ क्लोजली जो है वो निटेड है अब अगर मैं यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन को की वैल्यूज यानी कि यहाँ पे जो टू आइटम्स पाई ये वैल्यू सबसे जोड़कर तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन ये आ जाएगा तो अब अगर मैं यहाँ पे ये यह देखना चाहूँ कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन आर और ए तो वो वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो फेस डाइग्नल है फेस डाइग्नल जो है वो किसके इक्वल है या आप इस पिक्चर में से देखें तो ये जो सफेयर्स हैं ये इनका जो रेडियस है वो आर है अगर आप देखें तो ये कितना है वन आर और ये टू आर थ्री आर और फोर आर तो इसका मतलब है मैं कह सकती हूँ कि जो फेस डायगनल दैट इज इक्वल्स टू फोर आर तो अब यहाँ पे आप ये देखें एक तो फेस डाइगनल फोर आर हो गया अब नेक्स्ट देखें कि जो है वो मैं किस तरह से उसको ए के साथ रिलेट कर सकती हूँ अगर आप ये देखें कि हर साइड जो है वो ए के इक्वल है जो कि एच लेंथ है ये साइड ए है ये साइड ए है ये साइड ए है ठीक है, है अब अगर मैं इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं और मैं ये कह सकती हूँ कि जो फेस डाइगनल है दैट इज इक्वल्स टू ए फेस डाइगनल इज इक्वल्स टू दिस ए प्लस ए प्लस ए so that will be a plus a plus plus सो दैट विल बी ए प्लस ए प्लस ए दूट ऑफ दैटर रूट थ्री ए इसको हम कह सकते हैं थ्री डी पाइथागोरस थेरम क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रही है वो एक तरह से थ्री डी है तो आप इसके बारे में अगर आपने इंफॉर्मेशन लेनी है कि थ्री डी पाइथागोरस थेरम क्या है तो मैंने यहाँ पे एक लिंक रख दिया है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि पाइथगोरस थेरम क्या होता है थ्री डी में सो अब इस स्टेप के ऊपर आते हैं तो फेस ड्राइंगल फोर आर के इक्वल है सो विल बी टू तो यहाँ से A हमारे पास ये आ जाएगा अब हम ए की वैल्यू को इसमें करते हैं तो हम और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये कैलकुलेशन आ जाएगी फर्दर सिंप्लीफिकेशन में पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू अंडर रूट थ्री बायर एट आ गया अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें बाय एट तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन जीरो पॉइंट सिक्सटी एट परसेंट आ रही है अगेन के यानी कि कैसे आइए हंड्रेड से मल्टीप्लाई किए जब हम उसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं और इसका मतलब है, इस वाले केस में जो फ्री स्पेस है वो थर्टी टू परसेंट है फ्री स्पेस तो अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू अ सिंपल क्यूबिक जो है वो सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्लैक्शन फिफ्टी टू परसेंट थी और इसमें सिक्सटी एट परसेंट है तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा जो आइटम्स हैं वो ज़्यादा पैक्ड हैं एज़ कम्पेयर टू अ सिंपल क्यूबिक हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा पैक्ड है और उसमें कम फ्री स्पेस है एज कम्पेयर टू सिंपल क्यूबिक क्योंकि थर्टी टू परसेंट है और वहां पे फोर्टी एट परसेंट थी आज के टॉपिक को हम कंक्लूड करते हैं तो हम लोगों ने दो स्ट्रक्चर्स देखे हैं एक सिंपल क्यूबिक एक बॉडी सेंटर्ड इनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स को हमने देखा तो सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो सिक्स है और बॉडी सेंड्रेड का एट है इसके साथ फिर हमने इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन की और हमने ये कंक्लूड किया कि जो सिंपल क्यूबिक है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो फिफ्टी है और जो उसमें फ्री स्पेस है वो फोर्टी है इसी तरह से जो बॉडी सेंड्रेड क्यूबिक है उसकी जो पैकिंग एफिशियसी है वो सिक्सटी है फ्री स्पेस जो है वो थर्टी है अब यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर क्यूबिक इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो लेस देन ट्वेल्व है और उसके साथ साथ उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो भी लेस देन 74% परसेंट है तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो इन दो पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं इस तरह से कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर लेस देन 12 है और पैकिंग एफिशिएंसी लेस देन 74% परसेंट है तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि के इस केस में सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है इनको हम कहते हैं दे आर लूज पैक पैक्ड स्ट्रक्चर्स